अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए इंदौर आईजी विवेक शर्मा द्वारा अद्यतन शातिर अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्वी क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस द्वारा गुंडे, बदमाशों व असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए लगभग 100 बदमाशों पर कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 45 गैर जमानती वारंटों को तामिल किया गया, जिसमें 39 स्थायी और 6 गिरफ्तारी वारंट शामिल है। इस दौरान अवैध शराब की गतिविधि पर संबलित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट में 26, जबकि अवैध हथियार रखने वालों पर आर्म्स एक्ट में 3 कार्रवाई की गई। आदतन बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ ही 2 जिलाबदर भी पेश किए गए। इस दौरान कार्रवाई में हीरानगर थाने के हत्या के 2019 के प्रकरण में फरार व 2500 रुपए का इनामी आरोपी जितेंद्र चौहान भी पकड़ाया। SP पूर्व के अनुसार गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के लिए आगे भी कार्रवाई कर रही है। कल रात में पूर्वी क्षेत्र में एक कॉम्बिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 45 नॉन अवेलेबल वारंट्स की तामीली हुई है, जिसमें 39 जो है स्थाई वारंट थे और शेष गिरफ्तारी वारंट उसमें तामील कराए गए। बहुत सारे जो गुंडा एलिमेंट हैं, जो HS हैं, उनको चेक किया गया, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की गई है। एक 2500 रुपये का एक हत्या के केस में हीरानगर का जो एक प्रकरण था उसमें वांटेड चल रहा था, वो इनामी उसमें गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे मामले आबकारी एक्ट में भी किए गए हैं, बहुत सारे जो है लोगों के विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव एक्शन भी इसमें किया गया। सर, लगातार कार्रवाई जारी है, इस समय बदमाश में कहीं ना कहीं हल्का मचा होगा। सर, पूर्वी क्षेत्र में स्टेट शटर भी बदमाश काफी हैं, उनको लेकर सतत अभियान चल रहा है सर, अभी देखने वाले में सर जो पार्किंग किस तरीके से सुरक्षा स्तर की है। अनलॉक होने के बाद से जो है अपराध निश्चित तौर पे अपराध और अपराधी जो है अपना सर उठाने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगातार जो है पुलिस सक्रिय है और लगातार हम लोग एक SOP के तहत जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ जो है ऐसे अपराधों पे काफ़ी अंकुश लगाया है और लगातार जो है अपराधियों पर अंकुश लगाए हुए हैं, ये कार्रवाई लगातार चालू है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।